बीजेपी का राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा? अभी तक पार्टी नेतृत्व ने इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर शुक्रवार को राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सीपीआईएम चीफ सीताराम येचुरी से मुलाकात की, लेकिन किसी ने भी दूसरे पक्ष को ये नहीं बताया कि उनकी पार्टी किसे राष्ट्रपति बनाना चाहती है। आडवाणी जोशी से भी मुलाकात। विपक्ष के बाद सरकार के दोनों नेताओं ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। दिलचस्प बात ये रही कि राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू ने दोनों नेताओं से राष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम सुझाने को कहा। सूत्रों की माने तो दोनों वरिष्ठ नेताओं ने साफ साफ कहा कि फिलहाल उनके सामने कोई नाम नहीं है। हालांकि जोशी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए ये 5 शर्तें रखी हैं। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार राजनैतिक हो, पार्टी की विचारधारा से सहमत हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विचारों और सरकार की नीतियों को रख सकता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम को आगे बढ़ा सके, जो भी उम्मीदवार हो संघ उससे सहमत हो। आडवाणी जोशी हुए रेस से बाहर। आम जनता अब तक मानकर चल रही थी कि आडवाणी अगले राष्ट्रपति और जोशी उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन राजनाथ और वेंकैया का दोनों नेताओं से मुलाकात कर राष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम सुझाने के लिए कहने के बाद ये माना जा रहा है कि अब ये दोनों राष्ट्रपति बनने की रेस से बाहर हो चुके हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी ही होगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।